जी अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, आज मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और महवश रहमान साहिबा, जो कि हेड ऑफ ओ लेवल कोचिंग कैंपस हैं, वो आपसे मुखातिब होंगी और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगी। जी मिस महवश रहमान। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ शरीक हो रहे हैं इस प्रोग्राम में जो मुनक्किद किया गया है यौमे दिफा के मौके पे पाकिस्तान की अफवाज को खराजी तहसीन पेश करने के लिए। तो शुरू करते हैं। जी महवेश, सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मलिहा, और अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम तलबा व तालिबात, असातिज़ाए कराम, प्रिंसिपल्स और हेड्स, और हमारे प्रोग्राम के मोतबर मुनसिफीन। जी मैं हैप्पी होम स्कूल ओ लेवल गुलशन कैंपस की जानिब से आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे कॉम्पेयर्स अब्दुल्ला और हसन नवीद हमारे साथ हैं। चलें, जब तक अब्दुल्ला और हसन नवीद हमें ज्वाइन करते हैं। हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए, और ए नबी तुम देख लो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मगफिरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। जज़ाकअल्लाह। अब कलामे पाक के बाद अब हम अपना कौमी तराना पेश करेंगे। तमाम हाजरीन और नाजरीन से गुजारिश है कि अपनी नशिस्त पे खड़े हो जाएं कौमी तराने के एहतराम में। शाने हाजे
जी मैं एक बार फिर हैप्पी होम स्कूल ओ लेवल गुलशन कैंपस की जानिब से अपने तमाम हाजरीन और नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज 6 सितंबर है, वो तारीखी दिन जब हमारी अफवाज ने सरहदों को अपनी जानों का नजराना देकर महफूज रखा था। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हैप्पी होम स्कूल ने वर्चुअल इंटर कैंपस मुकाबला खुश बयानी का इनेकाद किया। इस मुकाबले का आगाज अगस्त के महीने में हुआ। हमारे तमाम कैंपस के सेकेंडरी सेक्शन के तलबा व तालिबात ने अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे को नज़मों के जरिए पेश किया। वालिदैन की मावनत हासिल करते हुए तमाम बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया इस मुकाबले में। फिर हमारे असातिज़ा ने हर जमात से 3 बेहतरीन अदायगी करने वाले तलबा को मुंतखब किया और उनकी मजीद तैयारी करवाई। आज हमारे सामने अपने फन्ने खुश बयानी को पेश करेंगे 17 तलबा और तालिबात जो अपने अपने कैंपस के बेहतरीन साबित हुए। और ये हमारी खुश नसीबी है कि आज इस मुकाबले के मुनसफीन के फराइज अंजाम दे रहे हैं उर्दू अदब और थिएटर से गहरा ताल्लुक रखने वाली 2 मुमताज शख्सियात, जनाब मीसम नकवी साहिब और मोहतरमा किरण सिद्दीकी साहिबा। जनाब मीसम नकवी साहिब थिएटर के एक बावकार शख्सियत हैं जो एक बेहतरीन अदाकार, हिदायतकार और मुसन्निफ हैं। आजकल वो आर्ट्स काउंसिल के थिएटर एकेडमी के सरबराह हैं। मीसम नकवी साहब इस सोच पर एतकाद रखते हैं कि थिएटर के जरिए समाज को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। मीसम साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला ताकि आप हमारे तलबा की यहाँ पे रहनुमाई कर सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मीसम नकवी साहब के साथ तशरीफ रखती हैं हमारी एक और पुरवकार शख्सियत, मोहतरमा किरण सिद्दीकी साहिबा। मोहतरमा किरण सिद्दीकी ने नापा से अपनी थिएटर की तालीम मुकम्मल की है और कई थिएटर प्रोडक्शंस में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। आप थिएटर की ताकत पर भरपूर यकीन रखती हैं और आपकी कोशिश है कि घर घर थिएटर के जरिए बेहतरीन पैगाम पहुंचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगी अपनी होस्ट से कि अगर मिस किरण सिद्दीकी को प्लीज स्पॉटलाइट कर दें, और या फिर वो हमें अभी बस ज्वाइन करने ही वाली हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम के कंपेयर्स हैं ओएलजी कैंपस के अब्दुल्ला मलिक और हसन नवीद। जी अब्दुल्ला, अब हसन आप हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे प्रोग्राम के, प्लीज स्टार्ट कीजिए। इस मुकाबले के एक शुरका को 4 बुनियादी नुकात पर परखा जाएगा, तलफ्फुज, अंदाजे बयां, अदायगी और एतमाद। हर तालिबे इल्म को 2 मिनट का दौरानिया दिया जाएगा। यह मुकाबला 3 मरहले पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में जमात हश्तुम और हफ्तुम के तलबा अपनी नज़म पेश करेंगे। दूसरे मरहले में जमात हश्तुम और नहम के तलबा को अपनी नज़म पेश करने का मौका दिया जाएगा। और तीसरे और आखिरी मरहले में जमात दहम और 11वीं के तलबा और तालबात अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। मैं सबसे पहले दावा देना चाहूँगा शशुम और हफ्तुम के तलबा और तलबात को कि वो अपनी मुंतखब नज़म पेश करें। हमारे सबसे पहले शरीक हैं सोसाइटी कैंपस की अजवा हक। अस्सलामुअलैकुम। नज़्म तारिक की दुआ उंदलस के मैदान में, शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। खयाबा में है मुंतजर लाला कब से, कबा चाहिए इसको खूने अरब से। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर में। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में।
कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नजर में। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे लातजर में। अजाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। बहुत खूब बहुत खूब। एक अब्दुल्ला, मैं इस वक्त मीसम साहब से पूछना चाहूंगी कि सर, आप हमारा प्रोग्राम का आगाज हो गया है, ये हमारी पहली शरीक थी अजवा हक, तो सर आपके पास जजमेंट शीट इज रेडी विद यू? जी हाँ, जजमेंट शीट मेरे पास रेडी है, तैयार है, मैं मार्कशीट को दे रहा हूँ साथ साथ, और आखिर में रखा था। थैंक यू सो मच जी अब्दुल्ला, प्लीज कैरी ऑन। बहुत खूब, अब बढ़ते हैं अपने अगले तालिबे इल्म की जाने, जो है ओएलएस से मोहम्मद मेहदी। अस्सलाम वालेकुम, आज जो मैं नज्म पेश करूंगा उसके शायर का नाम है जनाब जगन्नाथ आजाद, और नज्म का नाम है ऐ सरजमीने पाक। ऐ सरजमीने पाक, ऐ सरजमीने पाक, जर्रे तेरे हैं आज सितारों से ताबनाक। रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक, धुंधिए हासिदा पे है गालिब तेरा सवाक। दामन सिल गया है जो था मुद्दतों से चाक, ऐ सरजमीने पाक, ऐ सरजमीने पाक, अब अपने अज़्म को है नया रास्ता पसंद। अपना वतन है आज जमाने में सर बुलंद, पहुंचा सकेगा इसको ना कोई भी गजंद। अपना अलम है चांद सितारों से भी बुलंद, अब हमको देखते हैं अतारद ओ सिमाक। ऐ सरजमीन पाक, ऐ सरजमीन पाक। शुक्रिया। बहुत खूब, अब हम हमें अपनी नज़म पेश करेंगी ओएलजी की यमुना इलाही। नज़म लाखों जाने कुर्बान करके, शायर फैज रसूल फैज। लाखों जाने कुर्बान करके हमने पाई है ये शान, अब कहीं जाकर मिला है हमको ये प्यारा पाकिस्तान। इकबाल के ख्वाब की ताबीर है प्यारा वतन, कायदे आजम की कोशिश से मिला ये साहिबान। तारीख में है मोतबद ये दिन बड़ा 14 अगस्त, मीनारे पाकिस्तान इस तारीख का आली निशान। है गर्दिश नस्म नौ से कदर इसकी जान लो, सलाफ की कुर्बानियों से है मिली ये आन बान। आज़ादी की तहरीक में शामिल सभी थे मुसलमान, चाहे पंजाबी बलोची सिंधी चाहे थे पठान। शुक्र है या रब तेरा आज़ादी अर्ज पाक दी, गुलामी से हमें आज़ादी होके मेहरबान। शुक्रिया। बहुत खूब, अब ओएलसी की बतूल सिपकैन अपने फन का मुजाहिरा करेंगी। नज्म ए सर जमीन पाक, शायर जगन्नाथ आजाद। जर्रे तेरे हैं आज सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक। दिए हासदा पे है गालिब तेरा सवाक, दामन सिल गया है जो था मुद्दतों से चाक। ए सर जमीन पाक, अब अपने आजम को है नया रास्ता पसंद, अपना वतन है आज जमाने में सर बुलंद। पहुंचा सकेगा इसको ना कोई भी गजंद, अपना अलम है चांद सितारों से भी बुलंद। अब हमको देखते हैं अतारद हो समाक, ए सर जमीन पाक। शुक्रिया। अब फास्ट के अली नासिर। अब्दुल्ला, मैं पूछना चाहूंगी मीसम साहब से, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा पहला मरहला अभी चल रहा है। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उर्दू के अंदर उर्दू तलफ़ुज़ के हवाले से, उसके लब लहजे के हवाले से माशाल्लाह से सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं।
बहुत अच्छी अदायगी है, इन पर बहुत मेहनत करी है, पता चल रहा है आवाज का उतार चढ़ाव, लबो लहजा, अदायगी, रवानगी, सारी चीजें। तो आई एम एंजॉयिंग दिस। मुकाबला टफ हो जाएगा शायद। जी जी जरूर जी। अब्दुल्ला प्लीज कंटिन्यू, कॉल द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अब फास्ट ट्रैक के अली नासिर अपनी नज़म पेश करेंगे। आयशा शेख। जी आयशा शेख। बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को। ये बातें होती हैं आजकल के जमाने में, न्यू नॉर्मल है, टेक्निकल ग्लिचेस। और मीसम जैसे आप जानते हैं कि हमने अभी सारे साउंड चेक किए थे। जी हेलो मैम। अच्छा जी जी बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी नज़्म का उन्वान है ए वतन, और इसके शायर हैं आसी करनाली। चमन हो चांद जैसे, खेतियां हो कहकशा जैसी, जमीन अपने वतन की हो इलाही आसमां जैसी, वतन का जर्रा जर्रा रंगो शादाबी की दुनिया हो, उजाला हो सहर जैसा, फिजा हो गुलिस्तां जैसी, वतन की रोशनी से सारी दुनिया जगमगा उठे, चमक हो इसकी पेशानी पे महरजो फिशां जैसी, मुसाफिर यूं छुए मंजिल को जैसे मौज साहिल को, हमारे पांव की रफ्तार हो आबे रवा जैसी, वो हिम्मत दे करे उसकी हिफाजत हम दिलों जान से, ये खत्ता हमको दिल जैसा, ये धरती हमको जा जैसी। शुक्रिया। बहुत खूब आयशा। अब हम अपने पहले मरहले का इख्तिताम करते हैं। दूसरे मरहले के आगाज से पहले अब्दुल्ला क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हसन। इन बच्चों का जज्बा हुबुल वतनी देखकर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तीसरे मरहले के आगाज से पहले मैं चाहूंगा कि ओएलजी के तलबा ने जो सॉन्ग तैयार किया है वो प्ले किया जाए। बनाएगा नाम अपनी, उनको कॉपी देंगे बाने हम।
होगा तुमका। बेशक हमें फखर है अपनी पाक फौज पर जो मुल्क की हिफाजत के लिए हर घड़ी तैयार सरहदों पर मौजूद है। अब हम दूसरे मरहले का आगाज करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे मरहले की जाने। हमारे दूसरे मरहले की पहली शरीक है ओएलजी की आमना हनीफ। नज़्म, मेरी सलामती मेरे वतन की सलामती से है। शायर रजा आराई। ये मिट्टी मेरे वतन की मिट्टी, ये मिट्टी मेरे जिस्म की मिट्टी, मेरे वतन की मिट्टी को मेरे शहीदों के लहू से गूंधा गया तो बुनियादें बनी इस इमारत की। ये इमारत मेरा वतन मेरी जान भी है, इसकी हिफाजत मेरा फर्ज मेरा ईमान भी है। मेरी सलामती मेरे वतन की सलामती से है। रोज जान लुटाता हूँ अपनी सलामती के लिए, रोज एक नया चेहरा लिए आ जाता हूँ, रोज दुश्मन को खाक चटाता हूँ। मैं आता रहूंगा जाता रहूंगा, इस वतन से अहद निभाता रहूंगा। मेरी खैर है जो इस वतन की खैर है, मुझे उससे बैर है जिसे इस वतन से बैर है। मैं शहीद भी हूँ मैं गाजी भी हूँ, मैं मुतमईन हूँ और इस पर राजी भी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे अहले वतन सदा खुश रहें, यही गुनगुनाते रहें। हमें प्यार है पाकिस्तान से, हमें प्यार है पाकिस्तान से। शुक्रिया। बहुत उम्दा, शाबाश। बेशक मेरी सलामती से है मेरी वतन की सलामती। हमारे अगले शरीक हैं गुलशन की जवेरिया इजाज। नज़्म का उन्वान खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे। शायर अहमद नदीम कासमी। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं, पत्थरों को भी रोएगी मुहाल ना हो। खुदा करे कि ना कभी खम हो सरे वकारे वतन, और उसके हुस्न को तश्वीशे माहो साल ना हो। हर एक खुद हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। शुक्रिया। माशाल्लाह, शाबाश, बहुत खूब। अब ओएलसी की अमीरा सिंह अपनी नज़म पेश करेंगी। वतन के लिए एक नज़म, शायर अहमद नदीम कासमी। सारे रिश्ते हैं वतन और जमीन के महकम, मैंने उड़ते हुए देखे हैं ये परचम बाहम। यही मिट्टी मेरी जन्नत है कि इस मिट्टी में चप्पे चप्पे से झलकता है गुलिस्ताने इरम। मैं तो ये देख के पत झड़ में भी हंस देता हूँ, एक पत्ता है सरे शाख अभी मुस्तहकम। कुछ तलब है तो बस इतनी, वतन जिंदा रहे न हवाए जर्रो गौहर न गमे दाम ओ दरम। गुनगुनाते हुए चलते हैं हवा के झोंके, और कर जाती हैं गजलें दिले शायर पर रकम। सुबह फितरत की अदालत खुली तो देखा खुश पत्तों से भी कतराई नहीं है शबनम। शुक्रिया। बहुत खूब। अब चलते हैं फास्ट ट्रैक की तहरीम अबरार की जाने। अस्सलाम वालेकुम। नज़म, नज़म खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे। शायर अहमद नदीम कासमी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो।
यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्जा हो के वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, पर घनी घटा है यहाँ ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों को भी रोहिदगी मुहाल ना हो, खुदा करे ना कभी खम हो सरे वक्कार वतन, खुदा करे ना कभी खम हो सरे वक्कार वतन, और उसके खुदा करे ना कभी कम हो सरे वक्कार वतन, और उसके हुसन को तशवीश माहो साल ना हो। शुक्रिया जी, शुक्रिया तहरीन। और हम वेलकम करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम की दूसरी मुनसिफीन, जो मुनसिफ जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, मिस किरण सिद्दीकी। मिस किरण हमारे साथ आगे मेरे लिए में वो मावनत कर सकती हैं, मीसम दफी साहब जी। तो आगे बढ़ते हैं। किरण अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने का, और बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे देख के। चलिए आगे बढ़िए महवेश। थैंक यू जी बेटा, कंटिन्यू कीजिए। अब सोसाइटी कैंपस की अस्मा मुफीस अपनी मुंतखब नज़म पेश करेंगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरी नज़म का उन्वान वतन के लिए एक दुआ, शायर अहमद नदीम कासमी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, घनी घटाएं यहाँ इतनी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रुयतगी मुहाल ना हो, खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, और उसके हुस्न को तश्वीश माहो साल ना हो, हर एक फर्द हो तहजीबो फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। वाह बहुत खूब। अब चलते हैं अपने अगले शरीफ की जानिब जो हैं ओएलएस से आयशा आमिर। सलाम अलैकुम, मेरी नज़्म का उन्वान खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे हैं, और इसके शायर अहमद नदीम कासमी साहब हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्जा होगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, घनी घटा यहाँ इतनी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोएगी मुहाल ना हो, खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, और उसके हुस्न को तश्वीशे माहो साल ना हो, हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुल ना हो जिंदगी वबाल ना हो। शुक्रिया। तो इसी से हमारा दूसरा मरहला इख्तिताम को पहुंचा। हसन, तीसरे मरहले से पहले क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर अब्दुल्ला, आप क्या आप जानते हैं 6 सितंबर की सुबह किसे मालूम था कि पाकिस्तान का वो दुश्मन जिसने पाकिस्तान की आजादी को तस्लीम ही नहीं किया अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाक वतन पर हमला करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने किस कौम को ललकारा है। शायर ने क्या खूब कहा है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की जकात है।
अब मेरे साथ मेरी मावन मेजबान ईमान अब्दुल समत हैं। तो चलिए ईमान, आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। जब हम मुकाबला कुछ बयाने की तैयारी करते हैं, जिस अदबी शख्सियत का नाम हमारे जहनों में गर्दिश करता है वो है जया मुहियुद्दीन साहब। जया मुहियुद्दीन के नाम से कौन वाकिफ नहीं, उन्होंने न सिर्फ उर्दू जबान को फरोग दिया बल्कि फन खुशबयानी में भी एक नई रूह फूंकी। आइए अब जया मुहियुद्दीन साहब से सीखते हैं शायरी की अदायगी का उम्दा तरीका। मुझसे कहा गया था कि आज मैं कुछ शायरी पेश करूं आपकी खिदमत में, तो पहली बात तो ये है कि हम शायरी बहुत बुरी तरह पढ़ते हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। नक्श फरियादी है किसकी शोखिये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। अब का एक छोटी सी इजाफत है, हम समझते हैं कि जब तक एक एक लफ्ज पे हथौड़ा न मारा जाए उस वक्त तक हम शायरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम शायरी को भंभोड़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं। एक तो मसला हमारी शायरी का ये है कि चूंकि हमारे यहाँ आराब नहीं है, पंक्चुएशन जिसको आप कहते हैं, कॉमा सेमी कोलन क्वेश्चन मार्क वगैरह, तो मैंने बीसियों बार अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को ये शेर हमेशा इसी तरह पढ़ते देखा है। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, शायद उन्होंने गाना सुन रखा हो नुक्ताची है गमे दिल, इस वजह से नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, यानी मेरा महबूब नुक्ताची है, गमे दिल नुक्ताची नहीं है। बेशुमार गालिब के अशार ऐसे हैं जिनमें बग़ैर किसी तकल्लुफ के हम ज़रा सा भी ज़री से भी एहतियात नहीं रखते, यानी हम पुकारें और खुले यूं कौन जाए, गैर का दरवाज़ा अगर पाएं खुला। मेरे ख्याल में हम पुकारें और खुले बिल्कुल मफहूम सही अदा नहीं होता, गालिब कहना ये चाहते हैं कि हम पुकारें और खुले यूं कौन जाए, गैर का दरवाज़ा अगर पाएं खुला। तो सारा जो बोझ है और इन्फ्लेक्शन है वो हम पे है, हम जाएं हम पुकारें तो दरवाज़ा खुले, वरना तो ये एक दरबार है इसमें हर ऐरा गैरा नथु खैरा आ रहा है जा रहा है। और जब लड़कों लड़कियों को मैं सुनता हूँ जिन्हें शायद स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि शेर इस तरह पढ़ो, तो वो रोना मेरा वजू है नाला मेरी दुआ हो। अब नाला क्या चीज़ है, रोनाम क्या है, रोना मेरा वजू है नाला मेरी दुआ है। हम समझते हैं कि अगर उसने देखा नहीं दुनिया में बहारों के सिवा, सब्ज़ारों के सिवा और सितारों के सिवा, सितारों कहने से शायरी ज़्यादा शायरी नहीं बन जाती। फैज़ साहब की एक नौ सत्रों की नज़्म है, उसे भी इसी तरह पढ़ा जाता है। फिर कोई आया दिले जार नहीं, कोई नहीं रारो होगा कहीं और चला जाएगा, इतनी खूबसूरत नज़्म है जिसमें एक अचंभा है, एक उदासी की कैफियत है। फिर कोई आया दिले जार नहीं, कोई नहीं रारो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शम में बढ़ा दो मयो मीना वयाव, अपने बेखाब के वाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा।
जया मोहिद्दीन साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब हम अपना कारवां आगे बढ़ाते हुए तीसरे मरहले की जानिब चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना तीसरा मरहला। तीसरे मरहले के सबसे पहले शरीक हैं ओएलसी के दानियाल मेहंदी। नज़म, अगर है जज्बाए तामीर जिंदा, शायर अहमद नदीम कासमी। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है, जहां से फूल टूटा था वहीं से कली सी एक नुमाया हो रही है, जहां बिजली गिरी थी अब वही शाख नए पत्ते पहन कर तन गई है, खिजां से रुक सका कब मौसम गुल, यही असले उसूले जिंदगी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है, खंडर से कल जहां बिखरे पड़े थे वहीं से आज ऐवा उठ रहे हैं, जहां कल जिंदगी मबहूत सी थी वहीं से आज नगमे गूंजते हैं, सन्नाटे से लय की सिमत हिजरत यही असले उसूले जिंदगी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है, रहे यखबस्तगी का खौफ जब तक शुआएं बर्फ पर लर्जा रहेंगी, अंधेरे जम नहीं पाएंगे जब तक चिरागों की लोएं रकसा रहेंगी, बशर की अपनी ही तकदीर से जंग यही असले उसूले जिंदगी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है। शुक्रिया। बहुत खूब। अब चलते हैं अपने अगले शरीक की जान जो हैं ओएलएस से अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। नज़्म, ए वतन तूने पुकारा, शायर सैफुद्दीन सैफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं, हम हैं जो रेशमों कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहनों फौलाद से टकराते हैं, हम हैं जो गैरत और नामूस पे कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं, हमने रोंदा है बेआबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, हमसे वाकिफ हैं ये दरिया ये समुंदर ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। जज़ाकअल्लाह। शाबाश। अब गुलशन की बनीन ज़ायरा अपनी मुंतखब नज़्म पेश करेंगी। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक नज़्म पेश करूंगी जिसका उन्वान है रस्ते में काली रात के दीवार बन गए, जिसके शायर अमजद इस्लाम अमजद हैं। मेरे शहीद सुबह के आसार बन गए, लेकर सबक हुसैन के जज्बो कमाल से, बदरो ओहद के मार गए बेमिसाल से, अजमो वफा के आहिनी किरदार बन गए, मेरे शहीद सुबह के आसार बन गए। सरहद के उस तरफ भी अदू इस पार भी, लौटा रहे हैं शामो सहर इनके वार भी, हिम्मत का और सब्र का मयार बन गए, मेरे शहीद सुबह के आसार बन गए। उनकी शुजाअतों पे है हैरान जिंदगी, करते हैं कैसे कौम पे कुर्बान जिंदगी, कैसे रफीक कैसे निगहदार बन गए, मेरे शहीद सुबह के आसार बन गए। शुक्रिया। शाबाश। बहुत खूब। अब बढ़ते हैं ओएलजी की माइन शब्बीर की जानिब। नाज,
ए वतन तूने पुकारा, शायर सैफुद्दीन सैफ। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेज आबाज चले आते हैं। हम जो रेशमों कम ख्वाब से नाजुक तर है, हम जो आहनों फौलाद से टकराते हैं, हम हैं जो गैरतों नामूस पे कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। वाकई, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले शरीक हैं फास्ट ट्रैक के महादुल्ला। का उन्वान, वतन की राह में मरना बड़ी सआदत है, जिसे डॉक्टर इनाम एहसन ने तहरीर किया है। वतन के मोहम्मद महद, एक सेकंड आप प्लीज वेट कीजिए, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, तो प्लीज आप वहां पे अपने ऑडियो की सेटिंग फुल कीजिए ताकि आपकी क्लियर आवाज आ सके। जी मैं सम आप कुछ कहना चाहेंगे? जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा जब तक कि माइक सेट हो रहा है, अगर मौका लगे और आपकी इजाजत हो। जी मलिहा जी, एक लफ्ज पे बहुत जिया साहब हमारे भी उस्ताद रहे, बहुत ज्यादा टोका गया हमें, वो लफ्ज है ख्वाब नहीं है, ख्वाब बोला जाता है। हम बहुत ज्यादा इसको ख्वाब करते हैं, अब तो खे भी खा की सूरत में निकल रहा है, जो मैं कोशिश जिसको फौरन टोक दूं कि मियाँ ये खा नहीं, खा होता है। तो इसी तरीके से ख्वाब का लफ्ज है, ख्वाब ले लो, ख्वाब सोने के ख्वाब, ये नून मीम राशिद साहब की बहुत मशहूर। अगर इसका थोड़ा सा नमूना पेश करें मीसम, क्या उम्दा कलाम है। अभी मैं कोशिश करता हूँ, पूरी याद तो नहीं है, जितनी याद है याददाश्त में महफूज है उतना सुना देता हूँ। ख्वाब ले लो ख्वाब, ये सोने के ख्वाब, सुबह होती है चौक में जाकर लगाता हूँ सदा, ख्वाब असली है कि नकली, यूं परखते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर कोई ख्वाबगर ना हो, ख्वाब कर मैं भी नहीं, सूरत करे सानी हूं बस, हाँ अलबत्ता मेरी मईशत का जरिया ख्वाब। शाम हो जाती है, मैं फिर से जाकर चौक में लगाता हूं सदा, ख्वाब ले लो ख्वाब, ख्वाब मुफ्त ले लो मुफ्त, ये सोने के ख्वाब। मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं और चुपके से सिरक जाते हैं, देखना ये मुफ्त कहता है कहीं कोई ऐसा शोभदा पिन्हा ना हो कि घर पहुंचकर टूट जाए या भग से उड़ जाए कहीं ये खा, या हम पर कोई सहर कर डाले। अजी ऐसे अंधे कबाड़ी के ये ख्वाब किस काम के, ये रात हो जाती है मैं ख्वाबों का पुलंदा, सर पे रखे मुंह सोरे घर लौटता हूँ और रात भर यही गुड़गुड़ाता हूँ। बहुत उम्दा मीसम, एक एक लफ्ज बोल रहा था तो उसमें जान डाल दी, और इसके फिर मायने कितने वाजे हो जाते हैं अगर ये सही तरह से पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया आपका, ये हमारे बच्चों को अगर थोड़ी, जैसे कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी, बहुत जरफेज है साकी, तो जरा ही पहले जमाने तो एक लफ्ज होता था जरी भी, अगर नमी मिल जाए तो बहुत बच्चे बेहतर करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसके जरिए हमने बच्चों की शीन खाफ को बहुत दुरुस्त करने की कोशिश की है, और मजीद इसलाह की जरूरत है और हम करते रहेंगे। शुक्रिया आप। बेशक बेशक बेशक। चलिए महा, फाइन नाउ,
जोर से बोलिए बस, कोई बात नहीं, माइक माइक का वो कोई जो भी मसला। यस मिस। मेरी नज्म का उनवान वतन की राह में मरना बड़ी सआदत है, जिसे डॉक्टर इनाम एहसन ने तहरीर किया है। वतन की राह में मरना बड़ी सआदत है, मेरी रगों में मेरा खून एक अमानत है। वतन के रुख का जो गाजा मेरा लहू होगा, मेरे लहू से मेरा मुल्क सुरखुरु होगा। वतन पुकार रहा है कि ए वफादारो, खुदाए कादिर कय्यूम के परिस्तारो, जहान अमनो अमान के मेमारो, जफाशियार को मैदान में बढ़ के ललकारो। जवाब उसका जो होगा मेरा लहू होगा, मेरे लहू से मेरा मुल्क सुरखुरु होगा। जगा के शोला ईसार दिल की धड़कन में, भरूंगा नूर अखुवत का जामे तन में। मैं फूल बन के खिलूंगा वतन के दामन में, हजार रंग से निखरूंगा अपने गुलशन में। पयाम कैफे बहारा मेरा लहू होगा, मेरे लहू से मेरा मुल्क सुरखुरु होगा। करूंगा लश्करे जुल्मत का रन में जेरो जबर, हिसार कुफर का ढा दूंगा बर्क बन बन कर। मेरी जबां पे जब आएगा नारे हैदर, लरस उठेगा अदू के गुरूर का खैबर। मेरी फतह का परचम मेरा लहू होगा, मेरे लहू से मेरा मुल्क सुरखुरु होगा। मताए जीस्त समझता हूँ मैं शहादत को, मैं अपने खून से सींचूंगा किश्त मिल्लत को। मजा सितम का चखाना है अब रऊनत को, मैं जान देकर मिटा दूंगा जाम कसरत को। मैं निशान जज्बा ईमान मेरा लहू होगा, मेरे लहू से मेरा मुल्क सुरखुरु होगा। अब अपने अगले शरीक की जानिब बढ़ते हैं, जो है सोसाइटी कैंपस की लिटा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। नज़्म, ए वतन तूने पुकारा, शायर सैफुद्दीन सैफ। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशमों कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहन व फौलाद से टकराते, हम हैं जो गैरत व नामूस पे कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। हमने रोंदा है बयाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब निजाम जी। इसी तरह से हमारा तीसरा मरहला भी इख्तिताम पजीर हुआ। अब ओएलजी के होनहार तलबा अपने वतन की मोहब्बत में अपने जज्बात और एहसासात को यकजा करके एक खूबसूरत खाका पेश करेंगे, और इस दौरान मैं दरख्वास्त करूंगी कि मुनसिफीन से कि वो अपने नतायज पर गौर करें और हमें उनसे मुतला करें। मीसम और किरण जी। जी मिलिए। हाँ, शुक्रिया। या एक फौजी बेटा जो फिजाई ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, आज एक महाज पर जाने वाला है। उससे पहले वो अपनी वालदा के पास आता है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, आज मुझे महाज जंग पर भेजा जा रहा है। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, और बाबा की तरह मैं भी अपने वतन का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बेटा, मेरी हर सांस आपके लिए दुआ गो है। मैं चाहती हूँ जिस तरह हमने दुश्मनों को हर महाज पर शिकस्त दी थी, आप भी इस दुश्मन को धूल चटा दो, ताकि वो अपने नापाक अजम में कभी कामयाब ना हो सके।
मैं चाहती हूँ कि हिम्मत और बहादुरी और अपने रब पर मुकम्मल भरोसे के साथ महाज पर जाओ, ना ही कदम डगमगाएं और ना ही हाथों में लर्जिश आए, और आप कामयाब हो कामरान होकर लौटो इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बहादुर बेटे, हम पाकिस्तानी अपनी तरफ बढ़ने वाले हर कदम का मुंह तोड़ जवाब देना बखूबी जानते हैं, और इस बात को हमारा दुश्मन बार बार आजमा चुका है। प्यारे बेटे, वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। हमारे दुश्मन ने जब भी हम पर मैली निगाह डाली, वतन के बेटों ने अपनी जान निछावर करके इसके मजबूत इरादों को खाक में मिलाकर इसके बढ़ते हुए नापाक कदमों को ना ही सिर्फ रोका बल्कि ईंट से ईंट बजा दी, और वतन की आन बान और शान पर हर्फ ना आने दिया। जी अम्मीजान, आपने दुरुस्त कहा। 6 सितंबर की रात को जब हमारे मुल्क पर हमला हुआ था तो सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे, जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला डट कर किया। साथ ही बाहिम्मत कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी हो गई और उनके ख्वाब को उनकी हसरत ही बना दिया। जी बेटा, यही नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर दीवानावार दुश्मन का मुकाबला किया, सरों पर कफन बांधकर दुश्मन से टकरा गए, जिस्मों से बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया और दुश्मन के नापाक अजाइम को रिस्क खाक बना दिया। जी अम्मी जान, अब मैं भी इसे जज्बे के तहत उस महाज पर जा रहा हूँ दुनिया को बताने के जमीन शुहदा के लहू से सैराब होती है, वो बड़ी जरखेज और शादाब होती है। इसके सबूत अपनी पाक सरजमीन की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने और उसको देखने वाली हर मेरी आंख को खोड़ने की सलाहियत रखते हैं। जान वार देते हैं लेकिन वतन पर आज नहीं आने देते। इसका बेहतरीन मुजाहरा 6 सितंबर 1965 को किया गया। इंतहाई बेसर व सामानी के आलम में भी जुर्रत और बहादुरी की वो दरख्शां मिसालें कायम की गई कि जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई। जाओ बेटा अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मेरी नमाज का वक्त हो गया है, अब मैं अल्लाह के हुजूर सजदाए रेज होकर आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी। बेटा अपना ख्याल रखना, मेरा रब मेरे बहादुर बेटे का हामी और नासिर हो। जी अम्मी जान, बहुत शुक्रिया, आपने दुरुस्त कहा। आपसे बात करने के बाद मैं मुतमईन हो जाता हूँ। आपकी बातें मुझे हौसला देती हैं और मेरे अंदर हुब्बुल वतनी को मजीद बढ़ावा देती हैं। बस ये फिक्र होती है कि मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखे। बेटा मेरे रब दो जहाँ पर तवक्कुल करो, बेशक मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। परेशान ना हो, जानते हो ना रब का क्या फरमान है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। जाइए बेटा, अल्लाह ताला से आपकी कामयाबी के बाद गाजी बनकर लौटने की दुआ करूँगी, नहीं तो एक शहीद की माँ फख्र से कहेगी मेरा बेटा मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान हो गया। पाकिस्तान तू सदा सलामत रहे। जी बहुत उम्दा बच्चों, और आपने 6 सितंबर की याद ताज़ा की और हमारे नौजवानों में ये जज्बा देख के हमें हिम्मत हासिल होती है। जी बच्चों, अब्दुल्ला और बहुत उम्दा, ये थे जमात नहम के हुनैन अहमद और बतूल जहरा, जिन्होंने इस खाके के जरिए 6 सितंबर 1965 के शहदा की कुर्बानियों की यादें ताज़ा कर दी। मैं मेहमान ग्रामी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी मुतबर राय से हमें आगाह करें। जी अगर मुनसफीन मसरूफ हैं तो मैं फिर इस वक्त, जी आप हमें कुछ कह पाएंगे मीसा? जी 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 बिल्कुल, मार्क से मैंने आगाह कर दिया है। बस माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छा मेहनत के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, सबने किया अपनी लगन के साथ, जिससे जो और वो जोश और जज्बा नजर आ रहा था।
कुछ चीजें, जैसे पहले एक मैंने ख्वाब वाली चीज कही थी, एक और कोशिश करिएगा आइंदा के लिए, एक लफ्ज दो सूरतों में पुकारा जाता है। अभी जो पुकारा गया वो भी सही है, मगर उसका एक और भी है जो फैज अहमद फैज साहब ने बहुत जोर दिया है। लफ्ज लहू को उनकी तहकीक के मुताबिक पुकारा जाता है लहू, लाम के ऊपर पेश के साथ, मगर चूंकि गलतुल आम का हिस्सा बनने के बाद वो लफ्ज लहू हो चुका है, तो हम उसे अक्सर लहू ही पुकारते हैं, लहू नहीं कहते। लेकिन फैज साहब ने तनबीह की है कि खास तौर पर उनकी अगर कोई नज्म पढ़ी जाए, नज्म नहीं, तो वो लहू पाई जाए, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, जो तलफ्फुज़ होना चाहिए, वो लहू का होना चाहिए। चूंकि ये कम ही पता होता है, बस उसकी एक चीज थी। और अदबी, अदब से अदबी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इसको हम अदबी नहीं बोलते, दाल के ऊपर जज़्म नहीं लगाते, जबर लगाते हैं, अदबी। तो खूबसूरती, ये छोटी छोटी सी माइनर डिटेल्स हैं, इन पे अगर हम गौर करते हैं तो चीजें जरा साफ सुथरी शफाफ निकलती हैं, शफाफियत के साथ ही। बस ये दो तीन चीजें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। एक लास्ट चीज, अक्सर बच्चे माशाल्लाह से पढ़ रहे थे, हम इसे थिएटर की टेक्निक पे कहते हैं इन्फ्लेक्शन देना, ताकि वो जुमला अपना मतलब या सबटेक्स्ट को पेश कर सके। जैसे एक लाइन पढ़ी गई, हम हैं जो आहन और दीवार से टकराते हैं। अब अगर इसे सीधा सीधा पढ़ दिया जाए कि हम हैं जो आहन और दीवार से टकराते हैं, या हम हैं जो आहन और दीवार से टकराते हैं, तो ये मतलब पेश नहीं करेगी। हमें किसी एक लफ्ज का सिलेक्शन करना होगा जिसपे जोर देना, जोर से मुराद ये होती है कि उसको निखारना या उभारना, वो अगर उसमें किसी एक लफ्ज पे किया जाए, जैसे इसी में जुमले में हम हैं जो आहन और दीवार से टकराते हैं, या हम हैं जो आहन और दीवार से टकराते हैं, तो ये मतलब बदलता जाएगा। हम पे जोर देने से कुछ और सबटेक्स्ट पोट्रे होगा, आहन और फौलाद पे जोर देने से कुछ और मतलब पोट्रे होगा। तो जितना ज्यादा बेहतरीन मतलब हम जो भी पेश करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी अच्छी सिलेक्शन हमारी इन्फ्लेक्टिव वर्ड की होगी, ऑपरेटिव वर्ड की होगी, उतना अच्छा वो पेश होगा। ऑपरेटिव वर्ड को अक्सर लोग ये भी ले लेते हैं कि जोर देने से मुराद उसको जोर से बोलना है, जोर से बोलने का नहीं सिलसिला, स्ट्रेस देने का आपके मायने जी, वो जैसे लफ्ज होता है ना छोटा सा, तो वो छोटा का मतलब है छोटा, तो वो ऐसे अदा किया जाए कि छोटा सा मसला है, या लफ्ज है बड़ा, तो बड़ा मसला है, तो बड़ा बड़ा करके बोला जाएगा, छोटा छोटा करके बोला जाएगा, तो वो लफ्ज का मतलब पेश हो जाएगा। मेरे ख्याल से ग्रुप कॉल आ रही है, रिजल्ट के सिलसिले में मेरे ख्याल में आपकी जरूरत है, ताकि वो जो है नतीज का जी जी बच्चों। किरण साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? किरण सिद्दीकी हाय, मैं जरा वो रिजल्ट्स का डन करके बात करूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मलिया। मैं आपकी अभी मेसम साहब की बात पे ही मैं ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सही बात की है अभी मेसम साहब ने, जैसे छोटा लफ्ज लफ्ज की अदायगी के वक्त ही उसके मायने जो है उसकी अदायगी से जाहिर हो जाए, जो हमारी जुबान नहीं जानता वो भी समझ जाए कि ये किस तरफ इशारा है। जैसे अभी ख्वाब का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी नींद को एक जमाई के जरिए से जाहिर किया था जब कलाम पढ़ रहे थे, तो वो एक अनोखा अंदाज और बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे बच्चों ने बन जाता है आपके जी, साथ जी। कि आप जो लफ्ज कह रहे हैं उसको आपकी अदायगी के जरिए आप उसका एहसास जो है वो उजागर कर सके। बिल्कुल जी बच्चों, अब्दुल्ला शुक्रिया। जिस कौम की तारीख मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन ज़ियाद, तारिक बिन ज़ियाद, महमूद गजनवी और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जैसे फातिहीन फतूहात से भरी हो, उस कौम के जवान अपने सीनों में शौक शहादत लिए परवान चढ़ते हैं और वतन पर आने वाली हर मुसीबत का जाँ पेशानी से सामना करते हैं। काफिर है तो करता है तलवार पर भरोसा, काफिर है तो करता है तलवार पर भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। जी
जी अब बच्चों आप जब क्योंकि नतायज में अभी कुछ वक्त है तो मैं दरख्वास्त करूंगी सर नोएल अगर हमारे HHS म्यूजिक कोऑर्डिनेटर वहां मौजूद हैं कि वो एक मिली नगमा पेश करें हमारी अफवाज के नाम। जी सर नोएल वहां पे मौजूद हैं। ऐ वतन के सजीले जमा ऐ वतन के सजीले मेरे नगमे तुम्हारे लिए मेरे नगमे तुम्हारे लिए सजीले जमा सरफरोशी है ईमां तुम्हारा जुर्रतों के परसदार हो तुम जो हिफाजत करे सरहदों की वो फलक बोस दीवार हो ऐ शुजात के जिंदा निशानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए मेरे नगमे तुम्हारे लिए के सजीले जवानों के सजीले जवानों बीवियों माँ बहनों की नजरें तुमको देखे तो यूं जगमगाए जैसे खामोशियों की ज़बाने दे रही हो वो तुमको दुआएं चांद तारों के राज़दारों मेरे नगमे तुम्हारे लिए मेरे नगमे तुम्हारे लिए सजीले तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर साथ जाएगी परवाज मेरी कौम के जरी पास मानो मेरे नगमे तुम्हारे लिए मेरे नगमे तुम्हारे लिए वतनों के सजीले जवानों के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए मेरे नगमे तुम्हारे लिए वतनों के सजीले जवानों के सजीले जवानों
प्रिया सर नोएल नैयर, और वाकई जिले जवानों को जितना भी हम सराहें और उनको सलाम पेश करें वो कम है। जी जी डॉक्टर मलिया, हमारे पास नतीजा मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं दावत देना चाहूंगी मोहतरमा किरण सिद्दीकी साहिबा को कि वो अगर कुछ अपने तासुरात का इजहार करना चाहें। थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मगर ऑनेस्टली देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी हम लोगों में ये जज्बा ये जोश मौजूद है कि हम लोग डिफेंस डे को इतने जोश व खरोश से मनाते हैं, तैयारियां करते हैं स्पेसिफिकली फॉर द किड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि अपनी मादरी जबान के बारे में पढ़ रहे हो, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको सराहने की कोशिश कर रहे हो। जो भी है आपका कल्चर, आपकी अपनी रियलिटी ही आपकी पहचान है, उसको समझना, उसको एम्ब्रेस करना, उसके बारे में जानना, इट्स कमेंडेबल, इट्स कमेंडेबल। आई एम वेरी हैप्पी, और ऑनेस्टली अच्छी हर अच्छी चीज की जो शुरुआत होती है ना वो इसी तरह से होती है। इट टुक मी डाउन द मेमोरी लेन, जब मैं भी ऐसी तैयारियां करती थी और ऐसी कॉम्पिटिशन होते थे। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, तुम लोग ऑनलाइन कर रहे हो, हम लोग ऑनलाइन नहीं करते थे, बट इट्स ब्यूटिफुल टू वॉच, सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू फॉर द एनकरेजिंग वर्ड्स किरण, एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड दैट यू पीपल टुक टाइम आउट फॉर अस। जी थैंक यू सो मच, और डॉक्टर मलिहा आप कुछ कहना चाहेंगी अपना? मैं ख्याल में पहले आप चलिए जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन HHS इंतजामिया की तरफ से आप सबको जो इस महफिल में शरीक हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, खास तौर पर मीसम नकवी साहब और किरण सिद्दीकी साहिबा जिन्होंने अपनी बे इंतहा मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और इस मुकाबले के मुनसफीन के फराइज को अंजाम दिया। मैं HHS में हम चाहते हैं कि बच्चों को ना सिर्फ तालीम बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए उनकी तरबियत में भी कलीदी किरदार अदा करें, और ना सिर्फ उनमें अपनी कौमी जबान से उनसियत पैदा करवाएं बल्कि उनमें मुहब्बिल वतनी का जज्बा भी उजागर करें। इस मुकाबले में जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया और इस आखिरी मरहले तक पहुंचे उनको बेहद मुबारक, और ख़ास तौर पे उनके वालदैन को जिनके तावुन के बगैर कोई भी गैर निसाबी सरगर्मी का इनकार करना नामुमकिन ही होता है। मैं HHS कैंपस के हेड्स को भी और असातिज़ा को भी सराहना चाहती हूँ जिन्होंने निसाबी तालीम के साथ साथ मुकाबला खुशबयानी की तैयारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खसूसी तौर पे OLG की हेड्स और टीम, असातिज़ा, और ख़ास तौर पे मैं सराहना चाहूँगी HHS IT टीम को जिनकी मावनत के साथ ही हम ये वर्चुअल प्रोग्राम मुनक्कद कर सके, उनका बेहद शुक्रिया। आखिर में मैं पाकिस्तानी फौज को सलाम पेश करती हूँ जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, और मुशीर काजमी साहब के अल्फाज वो मशहूर बिल्ली नगमा, ए राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती, लॉन्ग लिव हैप्पी होम स्कूल, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू डॉक्टर मलिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया। अब मैं अपने प्रिंसिपल मिस महविश रहमान से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें नतीजे से आगाह करें। जी शुक्रिया हसन। शायर ने क्या खूब कहा है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो आज इस बात पर हमारा यकीन पुख्ता हो गया है कि अपनी कौमी जबान से लगाव की जो तलकीन हम करते रहते हैं उसका भरपूर असर हमारे बच्चों पर हो रहा है। शाबाश बच्चों, इसी तरह
सीखते जाइए और बेहतर से बेहतरीन की तरफ का सफर जारी रखिए। यकीनन सबको इंतजार है नतायज का और नतायज मुझे मौसूल हो चुके हैं और ये बिल्कुल ऑल्दो मैं OLG को रिप्रेजेंट करती हूँ लेकिन ये नतायज जनाब मीसम साहब और मोहतरमा किरण सिद्दीकी साहिबा ने हमसे शेयर किए हैं और जैसे मुझे मौसूल हुए हैं मैं बिल्कुल उसी तरीके से आप सब तक पहुंचाऊंगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ जिसमें जमात शशुम और जमात हफ्तुम के तालिब इल्मों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें हम दो पोजिशंस का अनाउंस करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन। फर्स्ट पोजिशन से स्टार्ट करूं या सेकेंड से? आई थिंक सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी पोजिशन हासिल की है ओ लेवल क्लिफ्टन कैंपस की तालिबा बतूल सिप्टेन ने। जी स्पॉटलाइट बतूल सिप्टेन, जरा दिखाइए तो इनका हमें फेस एक्सप्रेशन दिखाइए। मेरे ख्याल से हमारे जो टेक्निकल टीम है मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज गैलरी ऑन रखें ताकि जैसे ही अनाउंसमेंट हो रिजल्ट का हम देख सकें कि बच्चों के एक्सप्रेशंस क्या हैं। सो बतूल सिप्टेन की और उनके एहसास को महसूस कर सके। जी बिल्कुल, दूसरे के लिए खुश होना भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है और बाकी सब बच्चे भी माशाल्लाह से उनके लिए उनको सराह रहे हैं। सो मिस सना कैन वी हैव द गैलरी व्यू प्लीज। ऑलराइट, और पहली पोजीशन की हकदार करार पाए हैं या पाई हैं गुलशन कैंपस की आयशा शेर, पहली पोजीशन पाई है फर्स्ट कैटेगरी में गुलशन कैंपस की आयशा शेर ने और मिस किरण भी हमारे बच्चों को सराह रही हैं। जी बहुत मुबारक हो, फर्स्ट कैटेगरी के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। और कहाँ है आयशा? हाँ आयशा कहाँ है? आयशा शेख गुलचन कैंपस। चलिए जब तक हम अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की जाने। ये हैं आयशा शेख, एक बार भरपूर तालियां इनके लिए। शाबाश। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ जिसमें जमात हश्तुम और जमात नहम के तलबा तालिबात ने अपने खुश बयानी के फन का इजहार किया था और इसमें हमारे पास सेकंड पोजीशन पे मौजूद हैं ओ लेवल सोसाइटी कैंपस की आयशा आमिर। आयशा आमिर जी, आयशा बहुत ही जबरदस्त, एक हल्की सी मुस्कुराहट माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया आपने। और अब हैं हमारी फर्स्ट पोजीशन इन द सेकंड कैटेगरी। तो पहली पोजीशन की हकदार करार पाई हैं गुलशन कैंपस की जवेरिया एजाज। जी तो गुलशन कैंपस हमें मिस नादिया भी नजर आ रही हैं, मिस नादिया भी भरपूर बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए और खुश होते हुए क्योंकि ये गुलशन कैंपस के स्टूडेंट हैं। जी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कैटेगरी में जिसमें जमात दहम और ग्यारहवीं जमात के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया और यहाँ हमारे पास जी यहाँ हमारे पास सेकंड पोजीशन दो तलबा में उन क्योंकि उनके मार्क्स बराबर थे तो उन दोनों तलबा को हमने सेकंड पोजीशन हमारे जजेस ने कहा कि दोनों को देनी चाहिए। तो सेकंड पोजीशन जाती है हमारे फास्ट ट्रैक कैंपस के महादुल्ला को, जबरदस्त परफॉर्मेंस महादुल्ला। हालांकि हमें लगा कि आवाज थोड़ी सी हल्की है मगर आपने फिर भी भरपूर अंदाज से नज़्म को पेश किया और हमारे जजेस ने आपको अच्छे नंबर दिए। जी बहुत मुबारक हो फास्ट ट्रैक। और उसके बाद सेकंड पोजीशन जाती है ओ लेवल गुलशन कैंपस की माहीन शब्बीर को। माहीन शब्बीर जी बहुत बहुत मुबारक हो। माहीन और महादुल्ला के स्कोर्स बिल्कुल बराबर थे इसलिए उन दोनों को सेकंड पोजीशन दी गई है, बहुत मुबारक हो। और अब है आखिरी पोजीशन तीसरे मरहले की
यानी कि पहले दुआएं जारी रखिए, दुआएं जारी रखिए, लेकिन रिजल्ट ऑलरेडी हमारे हाथ में मौजूद है। तो अब है हमारे पास पहली पोजीशन की हकदार करार पाई है सोसाइटी कैंपस की लिजा फातिमा जी। बहुत बहुत मुबारक हो लिजा, बहुत उम्दगी उम्दगी से आपने नज़म को पेश किया और हमारे खुशी देखी देखिए जी। हाँ जी हाँ माशाल्लाह जी। तो ये तो हमारे थे, लेकिन वो बच्चे आपने वो चीख नहीं देखी जो बाकियों ने देखी यस लिजा बहुत बच्चे हमारे हमसे बेहतर करते हैं तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। क्यों हेड्स बिल्कुल। और जो बच्चों ने इस वक्त पोजीशन नहीं ली है उनको बिल्कुल भी अपने हौसले को मजबूत रखना है, बिकॉज आप लोग इस पॉइंट पर आए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम कैंपसेस में सेकेंडरी सेक्शन में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी थी, फिर हमने फर्दर शॉर्टलिस्ट किया था और फिर हर कैंपस से 3 तलबा तालिबात यहाँ पे मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों सबके लिए, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रोग्राम के अख्ताम से पहले जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम किसी एक फर्द की मेहनत से नहीं होता, इसके पीछे पूरी टीम मैं शामिल हूँ कि मिसेज निजामी चीफ एग्जीक्यूटिव हैप्पी होम स्कूल सिस्टम के हमारे साथ शामिल है, अगर वो कुछ कहना चाहें मिसेज निजामी जी। जरूर जी। Thank you, Dr. Malia. I think it's a very well done program and congratulations to all the winners. Thank you for the judges. I'm so grateful for your time and your expertise. Thank you all. Thank you very much. Bahut shukriya. Thank you so much, Ms. Nizami, for your words of motivation. Aur dekhiye ki aapne ye safar dekha ki bacche jis marhale se hum upar jaate gaye jamaat tar jamaat to wo behtar hote gaye. तो यही हमारा एक तरीकाकार है कि बच्चे जब हमारे पास आते हैं छोटे प्यारे मुन्ने बच्चे और किस तरह उनकी किरदार कशी करते करते उनको इस मरहले तक लाते हैं कि अब वो एक एंकर्स और होस्ट स्पीकर हैं जो डिफरेंट टेलीविजन स्टेशंस और मीडिया में। मीसम आपको सुन के खुशी होगी कि हमारे म्यूजिक टीचर्स भी नापा में भी से उनका ताल्लुक है, आर्ट काउंसिल में भी परफॉर्म कर चुके हैं, तो हम सब मिलजुल के और मीसम हमारे पेरेंट भी हैं, तो इस बात की हमें बेहद खुशी है कि उन्होंने हमें इस समझा इस काबिल हमारे स्कूल सिस्टम को कि वहाँ उनके बच्चे की निगहदार हो सके। थैंक यू। यहाँ मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, सिर्फ काबिल समझने वाली बात नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा निज़ाम तालीम है यहाँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हैप्पी होम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं एंड आई एम ग्रेटफुल। आप बहुत अच्छा, बहुत फर्क और बहुत बेहतरीन नतीजा सामने आता है जब उनके टीचर को पढ़ाता है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके अल्फाज और एहसास का। चलिए जी जी बच्चों, और मैं तारीफ करना चाहूंगी अपने कॉम्पियर्स की जिन्होंने होस्टिंग की आज। ये बच्चे बहुत इन्होंने मेहनत की है और इसी तरह अपनी जद्दोजहद जारी रखो और सीखते रहो। और याद है बच्चों ये किताब फिरोजी लुगत हमने एक बार बाहर देखी, अब हम मैं भी अपने पास ही रखती हूँ ताकि डिक्शनरी की तरह फिरोज़ुल लुगत और इसके जो अल्फाज हैं उनकी ज़ेर ज़बर इसको दुरुस्त करते ही रहेंगे। और अभी सब की निगहदानी का और बताने के हिदायत पे हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे अपने आप को। चलिए जी आखिर में जी डॉक्टर मलिहा तमाम उर्दू के असातिज़ा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बच्चों पे मेहनत की, तमाम कैंपसेस के हेड्स, तमाम प्रिंसिपल्स, हमारी आईटी टीम, अगर मैं कुछ लोगों का नाम ले सकूं, मिस्टर खालिद, मिस्टर उदैर, मिस्टर आदिल, मिस्टर समी, मिस्टर मनोज और मिस्टर साकिब जो मुख्तलिफ कैंपसेस में इस वक्त मौजूद हैं और जिन्होंने ये इंश्योर किया कि हम जूम पे ये प्रोग्राम कर सके और फेसबुक पे ये लाइव स्ट्रीम भी हो सके। तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया जी।
और इसी तरह हमारे ओएलजी कैंपस, क्योंकि हम होस्ट कैंपस थे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, हमारी सारी उर्दू टीचर्स, मिस सिद्रा, मिस सादिया, मिस अफशा, मिस आयशा नवीद, मिस फराशा, ये सब नजर भी पाए जी. एंड देन हमारी टेक्निकल टीम, मिस सना और मिस नादिया, और सबसे बढ़कर जो कि इस वक्त बिहाइंड द कैमरा है और प्रोग्राम में भी नहीं आ सकी क्योंकि वो स्कूल में क्लासेस देख रही है, वो हमारी हेड मिस्ट्रेस मिसेस हुमैरा सईद. तो उन सब लोगों का, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर मुकम्मल हुआ और इस तरीके से मुकम्मल हुआ कि सबके सबने पसंद किया, तो इसमें इस पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है. बहुत तो शुक्रिया आप सब लोगों का. तो अब मैं चलती हूँ अपने कंपेयर्स की तरफ. जी आखिर में आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? हम अपने स्कूल प्रोग्राम का इत्तेमाम स्कूल सॉन्ग सुनकर करते हैं. आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब अपनी निशस्त से खड़े होकर स्कूल सॉन्ग सुने और इसमें शामिल भी हों. बहुत शुक्रिया मिस्टर मीसम नकवी एंड मिस किरण सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर योर एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस. ये हैप्पी होम स्कूल कराना मिसेज़ ज़ारा मुमताज़ का लिखा हुआ है.